सो हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर सो so, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक अफोर्डेबल लेंस का जो कि बेसिकली हमने कैनॉन आर सीरीज़ के लिए परचेस किया है क्रॉप सेंसर्स बॉडी के लिए ये लेंस है और अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स के लिए ये परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा उनके पर्टिकुलर माउंट के हिसाब से ये जो लेंस है वो अवेलेबल है आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं जो हमने पर्टिकुलर आर सीरीज के लिए परचेस किया है क्रॉप सेंसर्स बॉडी के लिए ये लेंस उसमें ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो हमने लेंस परचेस किया है वो बेसिकली टी टी का ट्वेंटी फाइव एम फोकल लेंथ के साथ है और इसमें जो एम्परेचर है मैक्सिमम वो एफ तक है यहाँ पे काफ़ी प्रॉपरली सील बॉक्स हमें देखने को मिलता है और इसका जो कलर है वो ब्लैक है फिल्टर साइज़ की बात करें तो 43 थ्री mm एम का है और वही अगर हम यहाँ पे बेड की बात करें इसकी तो इसमें आपको जो बेड दिया गया है वो वन ग्राम का लेंस का आपको वेट देखने को मिल जाता है और वही अगर हम एम की बात कर लें इस लेंस की तो ये कैनऑन आर सीरीज के लिए जितने भी क्रॉप सेंसस बॉडी हैं उसके लिए एम आर आपको देखने को मिलता है तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा है सो so आप देख सकते हो हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है बॉक्स ओपन होते के साथ ही सबसे फर्स्ट आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में एक थिंग इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलीज विदाउट लेंस का ऑप्शन डिफरेंट ब्रांड्स के लिए वो मैंसन है वो आप चेकआउट कर सकते हो विदाउट उसके ये लेंस आपका प्रॉपरली वर्क नहीं करने वाला है और कैनस यूजर्स के लिए हमने वीडियो में सोन किया है वो वीडियो में आगे आपको देखने को मिलने वाला है सो वो आप देख सकते हो फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा जो लेंस का है वो हाथ में लेने के बाद ही काफ़ी प्रीमियम सा आपको देखने को मिलने वाला है फुल्ली मेटल बॉडी है सो so, अगर यहाँ पे हम बैक साइड की बात करें अपने लेंस की तो देख सकते हो कोई भी एलेक्ट्रॉनिक्स पिंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है ये नॉर्मल मैनुअल फोकस लेंस है इसलिए आपको ये अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट इसके अंदर नहीं दिया गया है अगर वही फ्रंट साइड की बात करें तो इसका जो आप फ्रंट कैप भी देख रहे हो वो भी मेटेलिक है और वही अगर हम लेंस की बात करें यहाँ पर जो हमारा जो लेंस है वो 25 फाइव mm एम का है फोकल लेंथ मीन्स अगर आप इसे क्रॉप सेंसर्स बॉडी के साथ यूज़ करते हो तो जो आपको एक्चुअल जो मिलने वाला है वो फोर्टी एम mm के अराउंड मिलने वाला है कैनोन्स यूजर्स को तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसमें जो एपरेचर आपको देखने को मिलता है वो एफ़ टू है मैक्सिमम एम्परेचर मीन्स लो लाइट इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और बोके इफेक्ट भी इसमें आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा और वही अगर हम मिनिमम एपरेचर की बात करें तो यहाँ पर वो F16 तक जाता है मीन्स मैक्सिमम एम्परेचर आपका F2 तक है और मिनिमम F16 तक आपको देखने को मिल जाता है उसी के साथ अगर हम यहाँ पे इसके रिंग्स की बात करें क्योंकि ये मैनुअल लेंसेज है तो इसमें आपको दो रिंग दिए गए हैं फर्स्ट रिंग आपका है एक क्लिक एपरेचर रिंग मीन्स इसके थ्रू आप जो भी एप्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हो टू टू पॉइंट टू ऐसे आप इंक्रीज कर सकते हो एक आपको क्लिकिंग साउंड आपको उसमें सुनने को मिल जाएगा सेकेंड आपका इसमें फोकस रिंग है जिसके थ्रू आप फोकस को एडजस्ट कर सकते हो और उसी के साथ अगर हम क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस की बात करें तो आपको 0.25 मीटर के अराउंड आपको देखने को मिल जाता है अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात कर लें जो हमने यूज़ किया है इसको तो वो आप 17 टू 20 सेंटीमीटर के अराउंड फोकस ईजिली कर सकते हो बियउंड डिस्क अगर आप जाते हो मीन्स अगर फिफ्टीन टू थर्टीन अगर आप जाना चाहते हो फोकस करने के लिए तो ये मेंटेन नहीं कर पाता है फोकस क्लियरली नहीं हो पाता है मीन्स सेवनटीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर का आपको जो भी डिस्टेंस है उतना आपको वो इस लेंस में देना पड़ेगा सो आप देख सकते हो जो हमारा ऑटो फोकस लेंसेज होता है उस पर आपको पिंस देखने को मिल जाता है मीन्स ये कैमरा बॉडी के साथ ईजिली कनेक्ट होता है Uh, जो भी इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो अपने कैमरा बॉडी के साथ बट जो हमारा मैनुअल फोकस लेंसेज होता है उसमें आपको कोई भी ऐसे पिनस देखने को नहीं मिलने वाला है जो भी आपको कंट्रोल करना है वो जो दो रिंग्स आपको मिलते हैं एम्परेचर कंट्रोल रिंग एंड फोकस कंट्रोल रिंग उसके थ्रू ही आपको अपने लेंसेज को कंट्रोल करना है और इसमें जो डायफ्राम ब्लेड्स हैं वो सेवन पीसेस के हैं एंगल ऑफ व्यू इसमें आपको सिक्सटी वन डिग्री का देखने को मिल जाता है जो ऑप्टिकल डिज़ाइन है वो सेवन एलिमेंट्स इन फाइव ग्रुप्स है सो so चलिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो अब हम देख लेते हैं इस लेंस का अपने कैन ऑन आर्ट बॉडी के साथ जो कि एक क्रॉप सेंसर कैमरा है सो so इस लेंस को अटैच करना भी काफ़ी ईजी है जैसे आप नॉर्मली अपने ऑटो फोकस लेंस को अटैच करते हो सेम इसमें भी वही प्रोसेस है आपको रेड डॉट टू रेड डॉट को प्रॉपरली अलाइन करना है और आपको लेंस को क्लॉकवाइज रोटेट करना है एक क्लिकिंग का साउंड आएगा मीन्स हमारा जो लेंस है वो प्रॉपरली इसमें लग चुका है कैमरा बॉडी के साथ और आप इसको यूज़ कर सकते हो सो so, स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस लेंस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए एक ऑप्शन है दैट इज़ रिलीज विदाउट लेंस का ऑप्शन उसको आपको इनेबल करना होगा सो so, बेसिकली जितने भी कैनॉन्स क्रॉप बॉडी सेंसर्स के यूजर्स हैं उसके लिए यहाँ से ये वीडियो है वो आप देख सकते हो वो एनेबल कैसे करना है तो सबसे फर्स्ट आपको अपने मेनू वाले ऑप्शन को ओपन करना है और उसमें आप सेटिंग्स के बगल में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा जिसपे हम अभी क्लिक कर रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है और आप सेकेंडरी टैब में देख सकते हो वन टू थ्री फोर्थ ऑप्शन जो लिखा हुआ है फोर्थ वाले पे आपको क्लिक करना है और उसके अंदर मेनू ऑप्शन में आपको रिलीज सटर डब्लू स्लैस ओ लेंस आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको डिजेबल इनेबल का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है सो so, आपको इनेबल पे क्लिक करके आपको इसे ओके कर देना है मीन्स अगर ये डिजेबल होगा तो इससे आपको इनेबल करना है और इसके बाद जो भी आपका ये लेंस है वो प्रॉपरली वर्क करने लगेगा जो भी आप पिक्चर क्लिक करोगे वो आपके गैलरी में सेव होने लगेगा मीन्स मेमोरी कार्ड में आपके वो आने लगेगा विदाउट ये फंक्शन इस लेंस को आप यूज़ नहीं कर सकते हो अगर आप फोटो क्लिक करना चाहोगे तो वो आपके फोकस तो कर सकते हो ईज़िली बट जो भी आप अगर जैसे आप सटर बटन पर क्लिक करोगे तो जो इमेजेस है वो आपके गैलरी में सेव नहीं होने वाला है सो so आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल इंडोर लाइटनिंग का जो पिक्चर्स है कुछ आपके सामने हमने शेयर किया है इसमें कोई भी कलर कस्टमाइजेशन हमने यूज़ नहीं किया है ब्लर इफ़ेक्ट आप देख सकते हो पिक्चर्स में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है अगर वही हम वीडियो क्वालिटी की बात करें नॉर्मल इंडोर लाइटनिंग में तो वो कैसा रहने वाला है तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ फोकस शिफ्टिंग कैसा होता है इस लेंस के थ्रू वो आप इस वीडियो के क्लिप में देख सकते हो इसमें हम ये जो टॉय है बाइक का इसके थ्रू हम यहाँ पे फोकस इस पर है अब यहाँ पे हम फोकस चेंज कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा की तरफ आप देख सकते हो काफ़ी ये जो फोकस शिफ्ट हो रहा है काफ़ी स्मूथ हो रहा है वो ऑप्स हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं इस टॉय पे तो देख सकते हैं इसमें जो फोकस मेंटेन हो रहा है काफ़ी अच्छे से अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस पर एक बार फोकस मेंटेन करके वीडियो बनाते हो तो आपको ज़्यादा इसमें फ़ोकस एडजस्टमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसमें विदाउट एनी ट्राईपोर्ट हम ये वीडियो बना रहे हैं एक बार हमने बस फोकस को यहाँ पे मेंटेन कर दिया है और इस प्रॉपर डिस्टेंस पर मैं ये आपको हेडफोन दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा आपको ब्लर पीछे दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको ये जो हेडफोन है उसकी भी आप यहाँ पे क्वालिटी देख सकते हो वीडियो में आपको वो प्रॉपरली यहाँ पे ये जो फोकस है इस लेंस के थ्रू वो प्रॉपरली मैंटेंड है इस वीडियो में इस लेंस के थ्रू आउटडोर में जो वीडियो का क्वालिटी है कुछ आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर्स का क्वालिटी देखने को मिलता है आउटडोर में काफ़ी अच्छा रहने वाला है प्लस वही अगर आप सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड का डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन करते हो तो जो आपको ब्लर इफेक्ट पिक्चर्स या वीडियो में है वो देखने को मिल जाएगा सो जो ओवरऑल क्वालिटी है इस लेंस का जो इस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है आप इसे कंसिडर कर सकते हो बस यही है इसमें ऑटो फोकस की फैसिलिटी नहीं है अगर वो रहता है तो इसका प्राइस रेंज वो इंक्रीज़ हो जाता बट जिस प्राइस रेंज पे ये मिल रहा है इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है सो so अगर आप इस लेंस को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी के साथ डिफरेंट लेंसेज जो भी मैनुअल लेंसेज़ हैं कैनॉन आर सीरीज़ के लिए लिंक में वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो सो so आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग